जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये मेंसुरेशन का आखिरी पार्ट है, इसके बाद मेंसुरेशन नहीं आएंगे। इसके बाद हम लोग 3D डायमेंशन में चलेंगे। 3D जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे गोला, स्फेयर हो गया है ना दोस्तों, उसके बाद क्या कहते हैं, बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, और घन और घनाभ जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ों का हम उसमें अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज ये आखिरी पार्ट है, जरूर देखिएगा लास्ट तक। एक से एक बढ़ के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, अगर लाए हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सिंपल सी बात है कि किसी वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कोई वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो जीवा क्या होता है, हम बताए थे जीवा क्या होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए, हम मान लिए कि यह कोई वृत्त है हमारा, है ना दोस्तों, जिसकी एक कोई जीवा है, तो हम यह जीवा मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर इसकी जीवा दी हुई है, केंद्र हो गया इसका, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और केंद्र से ये जो जीवा है ना, ये 8 कितना मीटर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या तो यही होती है, हम इसको मान लेते हैं आर। अब एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर कोई भी केंद्र से कोई भी रेखा अगर जीवा पर गिरती है तो वह जीवा को समद्विभाजित करेगा। जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। वह जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब क्या हुआ, और समद्विभाजित के साथ साथ ये समकोण भी बनाएगा। मतलब कि ये क्या, कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये जो जीवा 30 सेंटीमीटर, इसको समद्विभाजित करेगा तो यहां से जो यहां की दूरी है वह कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताइए। ये पूरा 30 है तो आधा कितना होगा, 15 होगा। अब देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आर निकालना है तो आर कैसे निकलेगा, एक 8 है एक 15 है। तो याद कीजिए, हमने ट्रिपलेट से बताया था आपको 8, 15 और 17, है ना, 8, 15 और 67 ट्रिपलेट्स बताए थे हम। तो 8, 15 दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 17। तो हम अब हम कहेंगे कि त्रिज्या कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ये समकोण है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो r बराबर हम कह सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना। तो लंब स्क्वायर कितना हो गया, 64 + 15 का स्क्वायर 225, ये इसको कीजिएगा कितना आएगा, 289 आएगा, जो किसका रूट है, 17 का। तो देखिए तब भी 17 निकला, और हमने जो आपको ट्रिपलेट्स पाया था 8, 15 और 17, उससे भी इसका क्या निकल गया, 17। तो इसलिए हम कहते हैं दोस्तों ट्रिपलेट्स के बारे में जरूर जाने, और हमने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया ट्रिपलेट्स के बारे में, ट्रिपलेट्स क्या होता है, और हमने समकोण त्रिभुजा पढ़ा है, उस समय भी हमने ट्रिपलेट्स के बारे में आपको बताया। तो अगर आप नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज, है ना। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये 8 होगा, ये 15 होगा, ये क्या होगा, 17 हो गया। और ये क्वेश्चन भी देखिए कितना ईजी, सिर्फ पिक्चर से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, तो पिक्चर से सॉल्व हो जाते, इसलिए पिक्चर को बनाना सीखिए, मेंसुरेशन अपने आप सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। किसी मैदान की भुजाएं 32 मीटर तथा 24 मीटर तथा वे पूर्णतः समकोणीय है। मतलब कोई मैदान है जिसकी दो भुजा समकोण है और उसकी भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर है, अन्य दो भुजाएं 25 मीटर है, मतलब बाकी के दो भुजा जो बच गए वो 25-25 मीटर है, तथा अन्य तीन कोण समकोण नहीं है, बाकी के जो तीन कोण हो गए वह समकोण नहीं है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिगर बनाइए, फिगर बना क्वेश्चन सॉल्व। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो वो अमीन वाले जो जमीन नापते हैं ना, उसमें भी तो ये प्रैक्टिकल में आता है, वहां भी तो खेत की लंबाई चौड़ाई पूरा पता नहीं होता है, मतलब एक्यूरेट नहीं होता है कि हम आयताकार निकाल के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वहां भी आपको काम देगा और यहां भी काम देगा, है ना। हम वो कैसे करता है वो भी हम बताएंगे, ये भी बताएंगे, है ना। अब क्वेश्चन को समझिए क्या है, क्वेश्चन क्या है कि ये मान लीजिए कोई खेत है जिसकी दो जो भुजाएं हैं वह समकोण है, ये हम समकोण बना दिए, और दोनों की जो लंबाई है एक की 32 मीटर है और दूसरे की 24 मीटर, बाकी के जो दो भुजाएं हैं वह समकोण नहीं है, तो चलिए इसको हम समकोण नहीं बनाते,
तो ये हम मान लिए अन्य दो भुजा है जिसकी लंबाई कितनी है 25-25 मीटर, ये भी 25 मीटर और ये भी 25 मीटर। तो कड़ा इस मैदान का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, बताइए कैसे निकालिएगा। अमीन सब जो निकालता है वो अलग तरीका है, वो हम भी हम बताएंगे, लेकिन इसका बताइए इसका एक्यूरेट कैसे निकालेंगे। वह लगभग में आता है, एक्यूरेट नहीं आता, लगभग में आता है, इसका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल तरीका है ना, कि सबसे पहले आप इसका इसको दो भाग में बांट दीजिए, दो भाग में बांट दिए तो दो गो त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। अगर दो त्रिभुज बन गया तो देख लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल अलग निकालिए, इसका क्षेत्रफल अलग निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, निकल गया मैदान का क्षेत्र। इसके विकर्ण निकालने के साथ ही मैदान का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब बताइए ये समकोण है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये 24 है, ये 32 है, तो ये कितना होगा। याद कीजिए ट्रिपलेट हमने पढ़ाया था, 3, 4, 5, 8 से गुना किया ठीक है, 24, 8 से गुना किया 8 चौके 32, 8, 5, 40, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 32 होगा ये 24 होगा तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर होगा कि नहीं होगा सो बताइए। अब ये 40 निकल गया, अब देखिए ये वाला जो इलाका है यह एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 24, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। अब इसको काट दीजिए, कितना हो गया 12 × 24 गुना कीजिए, 12 × 24 हासिल 2 × 36 कितना हो गया 38, इतना मीटर स्क्वायर इसका निकल गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, या तो आप समद्विबाहु त्रिभुज लगा लीजिए क्योंकि दो भुजा बराबर है, या नहीं तो हम आपको हीरोन फार्मूला पढ़ाए थे, हीरोन सूत्र पढ़ाए थे, वो निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए आपको समद्विबाहु त्रिभुज फॉर्मूला याद नहीं है, तो हीरोन फॉर्मूला तो सबको याद होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो पहले एस निकालिए, तो एस बराबर यहां से क्या, यहां से क्या निकल जाएगा, एस बराबर तीनों भुजा को जोड़ दीजिए 25 25 50 50 40, 90/2 यानी कितना हो गया 45 मीटर एस निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे एस इंटू एस माइनस ए, 45 में से 40 गया कितना हो गया 5, एस माइनस ए एस माइनस 20, 45 में से 25 गया जल्दी बताइए 20, और फिर 45 में से 25 गया 20। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 9 × 5 × 5 × 20 × 20 है ना, इसमें से देखिए 9 का रूट क्या होता है 3, 2 × 5 में से 1 × 5 निकाल लीजिए और 2 × 20 में से 1 × 20 निकाल लीजिए, 20 × 5 = 100, ये कितना हो गया 300 मीटर स्क्वायर। अब कुल मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 300 हुआ, ये 384 हुआ, तो कुल मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 300 + 384, इसको कर देंगे कितना आएगा 684 मीटर स्क्वायर, इस मैदान का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, देख लीजिए। तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि हम फिगर कैसे बनाए, और फिगर अगर बनाए हैं तो उसको सॉल्व कैसे करें, ये दिमाग, इससे आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मेंसुरेशन मतलब फिगर, फिगर बन गया सवाल सॉल्व। तो चलिए फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, इससे भी इंपॉर्टेंट है, जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कल वाला क्वेश्चन याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, हाइट बराबर बताए थे √3/2 गुने भुजा, यही ना बताए थे। तो अब कहेंगे कि सर तो हाइट बताए थे, यहां तो माध्यिका दिया हुआ, अरे बबुआ
समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही तो हाइट होती है। ये जो हाइट है यही तो माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो हम कह सकते हैं कि माध्यिका बराबर रूट थ्री बाय टू गुने भुजा। माध्यिका दिया हुआ सिक्स रूट थ्री बराबर रूट थ्री बाय टू गुने भुजा। रूट थ्री गया नानी गौ तो भुजा बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन तो बहुत तेजी हो गया कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कोनो दम्बा नहीं है ना, बस समझना है थोड़ा सा कि जो शब्दावली है ना ये माध्यिका बड़ी गड़बड़ कर रहा था। तो हम ये वो काम किए कल पढ़ाए थे हाइट, उसी को माध्यिका बना दिए। माध्यिका क्या बना होता है ऐसा है ना दोस्तों। फिर क्या चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का एक चक्कर लगाने में घोड़ा 2.5 सेकंड लगाता, यदि घोड़े की चाल 66 मीटर पर सेकंड है तो क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात करनी। मतलब क्वेश्चन सिंपल है कि एक कोई वृत्ताकार पथ है, तो हम मान लेते हैं ये कोई वृत्ताकार पथ है, इस पथ का एक घोड़ा चक्कर लगाता है। तो भैया स्पीड क्या है घोड़े की, 66 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और कह रहा कि ये 2.5 सेकंड में ये पूरा का पूरा यहां से यहां चक्कर लगा देता है। तो अब ये जो चक्कर लगाएगा यहां से यहां, या किसकी चक्कर लगाएगा, परिधि की। किसकी चक्कर लगाएगा, परिधि की। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो डिस्टेंस निकालेंगे यहां से यहां, ये क्या होगा, इस वृत्त की परिधि। परिधि निकल गया तो त्रिज्या निकालने में कुछ है ये नहीं है। तो परिधि कैसे निकालेंगे, तो परिधि निकालने के लिए अब देखिए कि 2.5 सेकंड में चक्कर लगाता है और चाल दिया हुआ है, तो मतलब क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 66 मीटर बटे सेकेंड, और गुने में समय कितना ले रहा है 2.5, तो 2.5 × 4 = 5/2 सेकेंड। सेकेंड गया, 2 से काट दिए 33 बार में। अब इसको करेंगे 5 × 3 = 15, 5 × 15 = 16, यानी कि इसकी परिधि निकल गई कितने 165, और परिधि क्या होता है 2πr। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 165/2π का वैल्यू 22, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसको काटेंगे कटेगा दोस्तों क्या कट जाएगा 11 बेर में 11 × 2 = 22, ये 15 बीन में कट जाएगा। 15 × 11 = 165 होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 15 × 7 = 105/4, ये क्या हो गया, किस में दिया हुआ है दोस्तों, मीटर में, ये इसका त्रिज्या हो गया। अब देख लीजिए, बाकी आप तो सब कुछ जानते हैं। देखिए हमने कुछ किया क्या, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को हमने समझा और फिर उसके बाद उसको अटैच किया कि बनेगा कैसे। माइंड में पहले कैलकुलेटिव किया हमने कि बनेगा कैसे, फिर उसी चीज को हमने बोर्ड पे आपको बना के दिखा दिया। तो मैथमेटिक्स कहने के लिए बहुत हार्ड है, लेकिन होता बहुत इजी है। तो अगर बहुत इजी है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल आपको अनुपात में दिया हुआ है कितना, 4:7, तो कह रहा कि त्रिज्या रेडियस की अनुपात क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस पर रूट चढ़ा दीजिए है ना। तो 4 का रूट कितना हो गया 2, और 7 का तो होता ही नहीं है, तो क्या हो गया √2 √7। अब कहेगा इतना इजी है, तो हम बहुत इजी है, कैसे हुआ सर ये तो दिखाइए काहे रूट चढ़ाए। तो अब एक चीज बताइए, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त की, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है अनुपात में, क्योंकि अनुपात में जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना वो चला जाता है नानी को, तो बच क्या गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, √ क्षेत्रफल। तो यही तो हम भी किए हैं कि यहाँ आर निकाले के रूट अंदर क्षेत्रफल करते हैं, हम भी तो रूट अंदर क्षेत्रफल कर दिए, क्योंकि पाए का कोई तो मतलब ही नहीं है ना, पाए तो चला गया ना, क्योंकि पाए तो कांस्टेंट है, अनुपात में किस काम का पाए है ना। तो जब चला गया तो आर बराबर क्या, रूट अंदर क्षेत्रफल, तो हम भी तो रूट चढ़ा दिए।
तो इसी को कहता है ट्रिक। अरे ट्रिक कहां से आया हुआ, तो देखो ट्रिक यहां से आया है। तो ट्रिक पे मत भागिए, बेसिक चीजों पे जाइए, बेसिक नॉलेज पे जाइए, मैथमेटिक्स आपको इजी लगेगा। ट्रिक पे गए आज, ट्रिक याद कीजिएगा कल भूल जाइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की भुजा एक वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का तथा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब अनुपात ज्ञात करना है। तो मतलब क्या कर रहा है कि ये कोई वर्ग की एक भुजा है, ये वर्ग की क्या है, एक भुजा है, और ये मान लेते हैं हम भुजा कितना है a मीटर या a मान लेते हैं, और जो यही a जो है वो वृत्त की क्या है त्रिज्या है। तो कह रहा है कि वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात में किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा ये जो a है यही तो r है, क्योंकि कह रहा वर्ग का जो भुजा है वही तो त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, r देखिए क्या है a है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यही नहीं होता है। यहां से ये चला गया तो क्या गया पाई अनुपात एक। बस ध्यान क्या देना है, हम फर्स्ट वीडियो से बता रहे हैं अनुपात में, कि रेशियो में यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है, क्वेश्चन में पहले कौन आया, तो पहले वृत्त आया, फिर क्या आया वर्ग आया, इसलिए हमने पहले वृत्त लिया फिर क्या लिया वर्ग लिया। अगर पहले वर्ग कहता तो पहले वर्ग लेते फिर वृत्त लेते, ये कंफ्यूजन अक्सर होती है और एग्जाम में सबसे ज्यादा होती है। तो एग्जाम में जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो तीन बार क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्या करा फिर क्या कहा दोस्तों। तो फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब तो हम इसलिए बता रहे थे कि आप सिली मिस्टेक ना करें एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों की यूनिट की लंबाई के चाप केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण अंतरित करते हैं, तो त्रिज्या का अनुपात क्या था। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो वृत्त के यूनिट हैं, जिसके मान लीजिए ये चाप है, ये जो कोण पर है एक कितना कर रहा है 60 डिग्री, और दूसरा क्या कर रहा है एक और है यहाँ मान लेते हैं हम, है ना, और ये कितना कर रहा है 75 डिग्री, तो कर रहा है इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा वह ज्ञात कीजिए, है ना। अब याद कीजिए त्रिज्यखंड चाप की जो हमने लंबाई पढ़ाई थी, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो चाप की लंबाई पढ़ाई थी 2π r θ/360 डिग्री, यानी पढ़ाए थे। अब देखिए कॉन्स्टेंट इसमें कौन कौन है, 2π और 360 डिग्री क्या है कॉन्स्टेंट है, तो बच क्या गया r थीटा। मतलब क्या हुआ, इसका आर थीटा, अगर इसका इसका मान लेते हैं हम आर वन और इसका मान लेते हैं आर टू, ये हो गया आर वन का अनुपात निकालना है आर टू थीटा, ये थीटा वन ये थीटा टू, तो थीटा वन यही है ना, और थीटा टू यही है। तो अब आर वन और आर टू का अनुपात निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर वन गुने थीटा वन कितना है 60 डिग्री, आर टू गुने 75 डिग्री, यानी लिखेंगे अब इसको इधर ले इसको इधर भेज दीजिए, तो आर वन बटे आर टू क्या हो जाएगा 75/60, 15 × 75 = 60, यानी 5/4, हम इसी को लिखते हैं 5/4। अब देखिए और बाकी तो कुछ हाँ ये नहीं है, तो बस ध्यान क्या रखना है, यहां भी सिली मिस्टेक करते हैं, अच्छा 60, 75, 15 × 4 = 5 होगा, देखिए क्या आया त्रिज्या, देखिए क्या आया। तो इसलिए ये चीज मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि चाप की लंबाई यही होती है। तब देखिए ना एक बात कि चाप की जो लंबाई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर और थीटा दोनों के है ना, तो आर किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा, थीटा बढ़ेगा तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी आर की, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, आर वन आर टू हो गया थीटा वन थीटा टू चल जाएगा घूमने के लिए, है ना दोस्तों। फिर क्या है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो चलिए फिर उसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि को 4π से 8π बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करनी,
तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, या क्षेत्रफल में कहेगा कि कितने गुना वृद्धि हुई, या आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है दोस्तों। अब क्या हुआ कि परिधि है, ध्यान दीजिएगा परिधि क्या होता है यह हमें बता दीजिए, आपको सवाल सॉल्व हो गया। 2πr मतलब क्या हुआ कि 2π अगर हम हटा दें तो परिधि जो है वह इससे क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना ही बढ़ेगा, अगर ये 3 गुना बढ़ेगा तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा, ये 4 गुना होगा तो ये भी कितना गुना होगा, 4 गुना, क्योंकि इससे तो ये तो फिक्स है ना, ये बढ़ेगा तभी तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तभी तो ये घटेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर परिधि 4π से 4π हुई तो त्रिज्या भी क्या होगी, 4π से 8π होगी, यही ना होगी। तो अगर हम इसको कहे तो अगर त्रिज्या 4π से 8π हो गई तो अब पाए का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, तो पाए को हटा दीजिए, यानी त्रिज्या 4 से क्या हो गई, 8 हो गई। तो अगर आपसे पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाए आर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं, 4 × 16 = 64। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कितने की वृद्धि हुई तो गुना में पूछेगा तो हम कहेंगे 4 गुना वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, 4 गुना। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा तो देखिए 16 से क्या हो गया, 64, तो बताइए कितने की वृद्धि हुई, 48 की, कितने में, 16 में गुने 100 × 16 = 48, कितना आ गया, 300% की वृद्धि हुई। तो अगर परसेंटेज पूछेगा तो ये, अगर गुना पूछेगा तो 4 गुना, क्योंकि 16 से क्या हो गया, 64 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि परिधि जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर परिधि बढ़ेगा तो आर बढ़ेगी, सर्कमफेरेंस घटेगा तो आर घटेगी, बस इतना याद रखिएगा, मगर कुछ नहीं याद करना। तो दोस्तों मेंसुरेशन की हमने जो 2D डायमेंशन जो भी स्ट्रक्चर थे हमने वो खत्म कर दिए, अब कल से मेंसुरेशन का 3D स्टार्ट होगा, घन और घनाव, यानी कि हम जो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन लेकर आएंगे ना घन और घनाव के बारे में, पहले हम थ्योरी बताएंगे फिर सवाल की ओर जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए, क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना, ये आपके बेसिक के लिए भी होगा, जो 10th में पढ़े उनके लिए भी हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए हो जाएगा घन और घनाव। फिर उसके बाद शंकु भी पढ़ाएंगे, है ना, बेलन भी पढ़ाएंगे और गोला भी पढ़ाएंगे, 5 आकृति तो पढ़ना ही है, और प्रिज्म भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि प्रिज्म नहीं पढ़ना, प्रिज्म भी पढ़ना है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।